الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب बेसअलिसम्फुक बदलान मतुबम मेरे मोहतरम जो आयतें आपके सामने पढ़ी गई हैं ये आयत कुरान मजीद की सुरः हजरात की आयत है शरा नंबर उनचास सर हजरात में अज़ा रबुल्ज़त ने माशरती ज़िंदगी से मुत्ल बहुत ही अहम हदायात अतफरमी हैंत जो पढ़ी गई है उसका तर्जमा ये है कि ईमान वालों तुम में से कुछ लोग दूसरे लोगों का मजाक न उड़ें हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालों से बेहतर हों और औरतें भी दूसरी औरतों का मजाक ना उड़ाएँ क्या बाइद है क्या मालूम कि जिन औरतों का मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वालियों से ज़्यादा बेहतर हों और एक दूसरे को ताना मत दिया करो और एक दूसरे को बुरे नामों से मत पुकारो ईमान लाने के बाद सबसे बुरी बात ये है कि इंसान को फासिक कहा जाए गुनहगार और बदकार कहा जाए और जो इन कामों से तोबा नहीं करेंगे वो बड़े ाल हैं यानी आखिरत में उनको अपने अमाल का हिसाब चुकाना होगा ये तो इस आयत का तर्जमा हुआ इस आयत में अल्जा रबुलज़त ने तीन कामों से मना फरमाया है और उनको हराम करार दिया है नंबर एक किसी भी शख़्स का मजाक उड़ाना नंबर दो ताने देना नंबर तीन किसी शख़्स का बुरा नाम रख कर उसको उस नाम से पुकारना इन तीन कामों से इस आयत में मना किया गया है आखिर में ने फरमाया कि अगर तुम इन कामों इन तीन कामों से तोबा नहीं करोगे तो तुम्हारा हश्र जालिमों के साथ होगा पहला काम क्या था मजाक उड़ाना किसी का दूसरा कुरान करीम ने बड़ी ताक़ीद के साथ फरमाया है कि ना मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए और ना औरत दूसरी औरतों का मजाक उड़ाए मजाक उड़ाने का मतलब ये है कि दूसरे के साथ ऐसा तमस्र आमेज़ सलूक करना ऐसा बिहेव करना कि जिससे दूसरे को अपनी तहकीर महसूस हो जिससे दूसरा इंसल्ट फील करे अपने आप को अपने नज़र में वो अपने आप को जलील समझने लगे तो ये हुआ मजाक उड़ाना ये बहुत सख्त गुना है अल्लाह रब्बुल अलबुज़त ने इंसानों को एक बाप की औलाद बनाया है आपको बखूबी मालूम है कि तमाम इंसान जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं वह हज़रत आदम और हज़रत होवा के औलाद हैं लिहाजा किसी को दूसरे पर कोई फोकियात हासिल नहीं है हम सब एक ही नबी के उम्मी हैं हाँ अगर बरतरी और फोकियत अगर किसी चीज़ से हासिल होती है यानी कोई अगर दर्जे में एक दूसरे से बढ़ता है तो वो सिर्फ़ तकवा है अल्लाह का डर कि जिसके अंदर तकवा ज़्यादा होगा वो फज़ीलत में बढ़ा हुआ होगा तो जब ये बात बिल्कुल वाज़ है कि कोई शख़्स एक दूसरे से बढ़ा हुआ नहीं है सब एक बाप के औलाद हैं सबका नबी एक है सबका खुदा एक है तो फिर हम किसी का मजाक क्यों उड़ाएं? अब देखिए आदमी जब किसी का मजाक उड़ाता है तो मजाक उड़ाने का एक सबब मजाक उड़ाने की एक वजह तो ये होती है कि इंसान अपने आप को दूसरे से ऊंचा समझता है दूसरे से बड़ा और अफज़ल समझता है कि मैं तो आला दर्जा का आदमी हूँ जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है वो ज़लील है और हकीर आदमी है अब ये सोच कर उसका मजाक उड़ाता है और ये अपने आप को बड़ा समझता है और अपनी बड़ाई अपने दिल में लाता है तो ये बात ख़ुद ही एक बहुत बुरी बात है कि अपने आप को दूसरे से अफसल समझा जाए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है उरिदाई उदाई फरमा फ़ीह अहू मुस्लिम शरीफ की हदीस है इसका तर्जमा यह है कि बड़ाई तो मेरी चादर है अल्लाह ताला त सिवा किसी को बड़ाई जेब नहीं देती है अल्लाह ताला फरमाता है कि जो शख्स मेरी इस चादर में मुझसे झगड़ा करेगा मैं उसकी गर्दन तोड़ दूँगा लिहाजा अपने आप को दूसरों से बड़ा और अफज़ल समझना मजाक उड़ाने का पहला सबब है दूसरी वजह यह है कि इंसान दूसरे को हकीर समझता है तब मज़ाक उड़ाता है तो अव्वल अपने आप को बड़ा समझने की कोई बुनियाद ही नहीं है कुछ पता नहीं कि कल हमारा क्या अंजाम होने वाला है किस बात पर हम इतराते हैं क्या अपनी दौलत पर इतराते हैं ये दौलत जो है कुछ दिन इंसान के पास रहेगा अल्लाह ताला जब चाहेगा वो छीन लेगा आपने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो दौलत में खेलते थे लेकिन जब हालात बदले तो फ़कीर होकर रह गए भीख मांगने पर मजबूर हैं और उनकी माल दौलत और सब कुछ जाता रहा क्या किसी को अपनी सेहत अपनी ताकत पर गुरूर है तो ये सेहत और ये ताकत न जाने कितने दिन की है जब चाहे अल्लाह ताला वापस ले ले सकता है अब देखिए ना बैठे बैठे कैसी बीमारी का हमला हो जा हो जाता है कि इंसान फिर चलने फिरने के लायक नहीं रहता चल नहीं सकता फिर नहीं सकता दूसरे के सहारे से ज़िंदगी गुजारता तो किस बात पर इतराना है लिहाजा अल्लाह रबुलज़त का फजल और शुक्रिया अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताली ने हमें सेहत जैसी अजीम नमत दी है तो उसका शुक्रिया अदा करें और अपने अंदर गुरूर पैदा ना होने दें ऐसा ना हो कि इस नमत पर इतराक कर और तकबुर में मुबला होकर दूसरों को हम हकीर समझने लगे दूसरों को नीचा समझने लगे और दूसरों का मजाक उड़ाना शुरू कर दें तो ये फिर बहुत ही खसारे की बात कौन बेहतर है कौन बड़ा है ये तो अल्लाह इज़्ज़त को पता है कि हम दुनिया में अपने आप को कितना ही बड़ा क्यों ना समझ लें हम इस दुनिया में इस दुनिया में हम बड़े ओहदे पर और बड़े मनसब पर फाइज हो जाएं कोई किसी मुल्क का सरबराह बन जाए सदर बन जाए वज़ीर आज़म बन जाए सारे दुनिया अगर किसी के हाथ चूमने लगे इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत अजीम शख़्स है बल्कि हमारी अजमत का और हमारी बड़ाई का पता उस वक्त चलेगा हकीकत उस वक्त सामने खुल कर आएगी जब अल्लाह रब्बुल रब्ल की बारगाह में हमारी हाज़री होगी वहाँ पता चलेगा कि वाक़ता हम तज़ीम के मुस्तहिक थे या नहीं लिहाजा किसी बात पर अकड़ना नहीं चाहिए चूँकि हमें पता नहीं कि हमारे साथ क्या मामला है हम किसी को ग़रीब समझ रहे हैं किसी को कमज़ोर अगर समझ रहे हैं दुरे पाक सल्ला वसलम ने फरमाया गरीब लोग अमीरों के मुकाबले में सत्तर साल पहले जन्नत में दाखिल होंगे क्योंकि क्योंकि जिस शख़्स के पास जितनी दौलत है उसको उतना ही हिसाब ज़्यादा देना होगा एक एक पैसा का हिसाब देना होगा कि कहाँ से कमाया था और कहाँ पर ख़र्च किया था और जो लोग ग़रीब हैं उनका हाल तो ये है कि एक वक्त की रोटी उनको नसीब हो जाती है वो खाते हैं दूसरे दिन कमाते हैं और फिर खाते हैं तो उनका क्या हिसाब होगा एक और हदीस में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रुबा अशअसिन अकबर उमतफून बिल अबाब्ल अबर यानी बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उनके बाल बिखरे हुए हैं चेहरे पर मिट्टी जमी हुई है जब वो लोगों के दरवाज़ों पर जाते हैं तो लोग धक्के देकर भगा देते हैं लेकिन अल्लाह के यहाँ उस उनकी कदर कीमत उनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अगर वो अल्लाह इज़्ज़त पर भरोसा करके कोई कसम खा ले तो अल्लाह ताला उनकी कसम को सच्चा करके दिखाते हैं मसलन अगर कसम खा ले कि बारिश होगी तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देंगे लिहाजा अगर कोई शख्स सामने से देखने में अगर ग़रीब नज़र आ रहा हो तो उसकी ग़ुरबत और फ़्र की वजह से कभी भी उसको हक़ीर नहीं समझना चाहिए यहाँ तक कि अगर एक शख्स किसी बुराई या गुनाह में मुबतला है उस गुनाह को और उस बुराई को हक़ीर समझिए लेकिन उस आदमी को हक़ीर ना जानिए क्योंकि वो अल्लाह के मखलूक़ है हमें जो नफरत होनी चाहिए वो उसके अमल से उसके गुनाह से नफरत होनी चाहिए ना कि आदमी से अब जब किसी को हकीर समझने की गुंजाइश नहीं है तो मजाक उड़ाने की भी गुंजाइश नहीं है इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़रमाया ला ख़र कौम मिन कौम ये कोई शख्स दूसरे का मजाक ना उड़ाए और आगे ये भी फरमाया कैर अमिन मिनहुम कुछ बीद नहीं है कि जिसका मजाक उड़ाया जा रहा है अल्लाह ताला के यहाँ तुम से बदरजहाँ बेहतर हो फरमाया और ना मर्द किसी मर्द का मजाक उड़ाए और ना औरत किसी औरत का मजाक उड़ाए अब यहाँ एक वजाहत भी कर दूँ कि यहाँ मजाक से मुराद वो मजाक है जिसमें दूसरा इंसान अपनी ज़िल्लत महसूस करे और उस मजाक से उसकी दिलशिकनी होती हो उससे उसका दिल टूटता हो ऐसा मजाक करना हराम है अलबा दोस्त अहबाब आपस में आपस की बेतकल्लुफ़ी की वजह से हंसी मजाक कर लेते हैं जिससे किसी का दिल नहीं दुखता जिससे किसी की तहकीर और तजलील नहीं होती कोई इंसल्ट फील नहीं करता तो ऐसा मजाक मना नहीं है बल्कि जायज़ है क्यों इसलिए कि इससे किसी की तहकीर या तजलील मकसूद नहीं है बल्कि दिल खुश करना मकसूद है ये गुनाह नहीं है बल्कि ये जायज़ है उस वक्त तक जब तक इस मजाक में झूठ शामिल ना हो खुद जनाब मोहम्मद और रसोल्ला वसलम से भी ऐसा मजाक करना साबित है हदीस शरीफ में आता है कि एक मरतबा एक बूढ़ी ख़ातुन नबी करीम सल्ला वसम की खिदमत में आई और अर्ज़ किया यार रसोल्ला मेरे लिए दुआ फरमा दें कि अल्लाह ताली मुझे जन्नत में दाखिल फ़रमा दें रसुल पाक सल्ला वसल् ने जवाब में फरमाया कि कोई बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी ये सुनकर वो परेशान हो गई और रोने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्यों रोती हो तो उसने जवाब दिया कि आपने फ़रमाया कि बूढ़ी औरत जन्नत में नहीं जाएगी और मैं तो बूढ़ी हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बूढ़ी होने की हालत में जन्नत में नहीं जाएगी बल्कि वो जवान होकर जाएगी अभी देखिए ये जुमला हुजूर पाक अलैहि वसल्लम ने दिल लगी के तौर पर और मज़ाक के तौर पर और खुशतबी के तौर पर इरशाद फरमाया बाद में वो ख़ातून भी हंसने लगी कि आपने कैसी बात फरमाई हज़ू पाक सल्ला ने मज़ाक फरमाया जो बड़ा लतीफ़ था और उसमें कोई झूठ बात नहीं थी गलत बात भी नहीं थी और थोड़ी देर के लिए खुश तबी भी हो गई और ऐसा मजाक जायज़ है आगे फ़रमाया वानसा उम्मन न खैराम औरतें औरतों का मजाक न उड़ाएं क्योंकि हो सकता है कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो मजाक उड़ाने वाली औरतों से बेहतर हो अल्लाह तबारक व ताली ने मर्दों और औरतों और और का इलाहदा ज़िक्र फरमाया इस गुनाह इस गुनाह इतना बड़ा गुनाह है कि इसकी अगर अल्लाह ताला औरतों का जिक्र इलाहदा अलग से ना भी फरमाते तब भी आयत से समझ में आ जाता कि ये जो हुक्म मर्दों का है वही हुक्म औरतों का भी है मर्दों के लिए मजाक उड़ाना नाजायज़ है तो औरतों के लिए भी मजाक किसी का मजाक उड़ाना नाजायज़ होगा लेकिन अल्जा रबुल्ज़त नेतों का जिक्र अलग से करके बाहिर दो हमतों की वजह से फरमाया एक तो ताक़द के लिए इसलिए कि किसी ख़ातून के दिल में ये ख्याल आ सकता था कि अल्लाह ताला ने मर्दों का ज़िक्र फरमाया है औरतों का जिक्र नहीं किया इसके ज़रिए बता दिया कि औरतों का भी वही हुक्म है जो मर्दों का भी है तो अल्लाह इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह इज़्ज़त हम सब को किसी का मजाक उड़ाने से बचाए हम सब एक बाप और एक माँ के औलाद हैं हम सब को अल्लाह इज़्ज़त एक दूसरे की इज़्ज़त करने की और इज़्ज़त की निगाह से देखने की तोफ़ी अता फरमाएँ